हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर वन नतीजों के बारे में। सभी को इंतजार था कि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे किस तरीके के आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक ने अपने नतीजे पेश किए थे तो उम्मीद जगती हुई दिखाई दी थी। फिर एक्सिस बैंक की तरफ से भी एक अच्छे नतीजे पेश किए गए, तो अब समझेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से नतीजे किस तरीके के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर लें आईसीआईसीआई बैंक के इंटरेस्ट इनकम की, तो इस बार का जो आंकड़ा आ रहा है 19,924 करोड़ का ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई देगा आपको, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको 19,188 करोड़ दिखेगा। तो आपको यहाँ मार्जिनल बढ़त देखने को डेफिनेटली मिलेगी। पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये आंकड़ा था 17,980 करोड़ के आसपास का, तो एक अच्छी खासी बढ़त आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अदर इनकम की यहाँ बात करें तो 6,142 करोड़ का आंकड़ा आपको इस में नंबर में देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल तकरीबन 3425 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 4254 करोड़ थी। तो अदर इनकम के भी जो आंकड़े यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ स्टेक सेल की जो इनकम है वो भी यहाँ पे आप इसमें गिनते हुए देख सकते हैं। जिस आंकड़े पे मार्केट सबसे ज्यादा नजर रखता है वो होती है प्रोविजनिंग के नंबर, जिसको हम सब देखते हैं। 7,593 करोड़ की जो है प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में जो है बैंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट के अनुमान से ज़्यादा है। मार्केट 6,300 करोड़ के आसपास के नंबर मान रहा था, उस मुकाबले यहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने मिल सकती है कि प्रोविजनिंग के नंबर जो है क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे। पिछले क्वार्टर में भी लगभग 5,970 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग थी, तो इस बार 7,593 करोड़ की प्रोविजनिंग आती हुई दिखाई दी। पिछले साल ये आंकड़ा था लगभग 3495 करोड़ का, तो डबल से ज़्यादा प्रोविजनिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है साल दर साल, जो कि मार्केट पॉजिटिव नहीं लेगा यहाँ पे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। प्रॉफिट में अगर हम सभी चीज़ों को निकाल दें तो 2599 करोड़ का इस बार का प्रॉफिट आ रहा है, जो भी अनुमान से थोड़ा कमी है। 2660-2670 करोड़ की प्रोजेक्शन जो थी मार्केट में की जा रही थी नेट प्रॉफिट की, लेकिन अगर क्वार्टर दर क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो डबल से ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा आपको। 1221 करोड़ था पिछले क्वार्टर में और इस बार 2600 करोड़ आ रहा है, और पिछले साल भी ये जो प्रॉफिट का नंबर था 1908 करोड़ का था, तो इस बार प्रॉफिट का नंबर जो है साल दर साल भी बढ़ता हुआ आपको डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। बात कर ले अगर ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है इस बार की, तो बेसिक ईपीएस 4.01 रुपये निकल के आ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 1.89 और पिछले साल के क्वार्टर में थे 2.96। तो ईपीएस डेफिनेटली बढ़ी है क्योंकि प्रॉफिट के नंबर में आपको यहां पे तेजी देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए में डेफिनेटली यहाँ कुछ सुधार देखने को आपको डेफिनेटली मिलेगा। ग्रॉस एनपीए में आपको मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, 5.46% हुआ है ग्रॉस एनपीए, जो कि पिछले क्वार्टर में था तकरीबन 5.53 और पिछले साल ये नंबर था 6.49। तो पिछले साल के मुकाबले तो अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है, क्वार्टर दर क्वार्टर एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। नेट एनपीए के नंबर की बात करें 1.23% आया है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1.41%। तो नेट एनपीए में भी एक ठीक ठाक आपको जो है बढ़त देखने इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। बात करें अगर इस क्वार्टर के कुछ की हाइलाइट्स की, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 36% साल दर साल बढ़ के 2599 करोड़ आता हुआ आपको दिखाई दिया है इस क्वार्टर में। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 16.32% है। टीयर वन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 14.93, और स्टैंड लोन बेसिस पे आपको ये देखने को मिलेगा। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो साल दर साल आपका 15% की दर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 7,014 करोड़ आपको आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें है प्रोविजनिंग के नंबर, यहाँ प्रोविजनिंग के जो नंबर आपको साल दर साल 42% डिक्लाइन करते हुए दिखाई देंगे अगर उसमें से आप COVID-19 के प्रोविज़न को निकाल दें तो यहाँ पर जो आपका एडिशनल जो COVID-19 रिलेटेड प्रोविज़न किया गया वो आना आंकड़ा है 5,500 करोड़ रुपए का। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है 5,550 करोड़ रुपए का। यहाँ पे इस चीज़ को इसलिए किया गया है क्योंकि कम्प्लीटली बैलेंस शीट को ये COVID-19 के इम्पैक्ट से कुशन करने के लिए इसको लिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो टोटल पीरियड एंड डिपॉजिट है वो भी अब 8,00,000 करोड़ के पार निकलता हुआ दिखाई दिया है। टोटल डिपॉजिट जो है ये 8,01,622 करोड़ रुपये जून 30, 2020 तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कासा डिपॉजिट में भी यहाँ लगभग 15% की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एवरेज कासा रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 41% क्वार्टर वन 2021 में देखने को मिलेगा। तो टर्म डिपॉजिट जो है 27% साल दर साल बढ़ के आपकी नंबर आते हुए दिखाई दिए। नेट एनपीए 1.41 से घट के 1.23% हुआ, जिसे हमने यहाँ पे अच्छा खासा देखा है। और वहीं अगर आगे बात करते हैं तो प्रोविजनल कवरेज रेशियो जो है आपका वो
बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 75% से बढ़ के 78.6% आता हुआ दिखाई दिया है। 75.7% था आपका मार्च 31, 2020 तक, जो कि अब जून 30, 2020 तक 78.6% होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एनपीए के नंबर है वो पॉजिटिव है मार्केट के लिए, लेकिन डेफिनेटली प्रोविजनिंग के नंबर जो है वो आपको पसंद नहीं आएंगे मार्केट को, और डेफिनेटली मार्केट इस पर रिएक्ट डेफिनेटली करेगा। अब अगर बात करें यहाँ चार्ट पे लेवल्स की, कि किस तरीके के लेवल्स जो होंगे वो सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक छोटी सी रेंज में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ महीनों से लगातार। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो देखेंगे तो निफ्टी में आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ये स्टॉक की जो रेंज है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी 380 से 390 जो कंजेशन जोन बना हुआ है। हम यहाँ पे परसों के ट्रेडिंग सेशन में भी 392 पे क्लोज देते हुए दिखाई दिए, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर से गिरावट देखने को यहाँ मिली थी, और एक तेज गिरावट के बाद हमने कहीं ना कहीं 372 तक के लोअर लेवल छूते हुए दिखे। कहीं ना कहीं ये स्टॉक ब्रेकआउट के कगार पे था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो आपको सबसे पहले नजर रखनी है अपसाइड में, कि 392 का लेवल अगर डिसाइसिवली पार हो जाता है तो आपको फिर यहाँ पे फ्रेश तेजी और शॉर्ट कवरिंग का जो सिलसिला है वो देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक को फिर आपको एक अच्छे खासे ऊपर के लेवल 420 425 तक के भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए 392 395 का जो हर्डल जोन है वो निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। लेकिन अगर नीचे की साइड हम बात करते हैं तो एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपको दिखाई देगा वो आपको दिखेगा 340 रुपये के आसपास, मोटा मोटी अगर हम नंबर मानते हैं तो 340 से 392-395 की, ये 50-55 पॉइंट की जो रेंज है ये इस स्टॉक के रिजल्ट के बाद अगर हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्रोविजनिंग के जो नंबर आए हैं वो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सा डाउट पैदा जरूर करेंगे। लेकिन अगर सारी चीज़ें सही रही और मार्केट डिप देता है थोड़ा और अगर वहाँ से रिकवरी आती है तो डेफिनेटली फिर आपको ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल दोनों ही साइड नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप इंट्राडे के नाम पे अगर चल रहे हैं तो आपको कल की जो क्लोजिंग लेवल है वो इम्पोर्टेंट होगा, और क्लोजिंग लेवल की जो कल की लो लगती हुई दिखाई दी तो कहीं ना कहीं हम उसको 370 का राउंड फिगर रेंज मानते हैं, कि अगर स्टॉक इसके नीचे चला जाता है तो फिर डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपको यहाँ गैप भी दिखाई देगा, स्टॉक में कुछ गैप बना हुआ है। लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ 2-3-4% की गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर जो भी पोजीशन होगी उसमें एग्जिट करना इतना आसान नहीं होगा, डेफिनेटली वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अपसाइड में तो सीधा ब्रेकआउट के साथ खुलेगा अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है, लेकिन अगर नेगेटिव ओपनिंग होगी तो कहीं ना कहीं 370-360 के आसपास के जो लेवल होंगे वो एक अच्छे खासे लेवल हो सकते हैं, जहाँ पे स्टॉक शायद सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नतीजे हैं वो मिक्स्ड हैं, ज़्यादा कोई इंकरेजमेंट आएगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके के नंबर्स देखने को मिले मार्केट उसका अंदाजा पहले से लगा के चल रहा था, तो मार्केट के अनुमान के मुताबिक ही नतीजे आते हुए दिखाई दिए। प्रोविजनिंग में डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक मार्केट को लगेगा, लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाले नंबर कहे जाए तो ऐसा कहना गलत होगा, जो कि एक्सिस बैंक या HDFC बैंक के टर्म्स में देखने को मिला था। खाली यहाँ NPA में जो गिरावट देखने को मिली है थोड़ी सी, वो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव समझ सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।